अभी तो फिर भी थोड़े हैं, सुबह सुबह रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्मिरा चौधरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यही दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जिधर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप निकल आई है, तो आज के दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जानवरों के लिए जो है ख़ास उनके लिए बिस्तर तैयार करना है ना, वो हम लोगों ने तैयार करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी काम तो बाद में भी हो जाएंगे, धूप निकली है तो इसका फ़ायदा उठाएँ। और जो मैं काम करने लगी हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है जानवरों के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, उनको भी ठंड लगती है, तो इसलिए उनके लिए ना सूप वगैरह तैयार करना है। तो अब हम लोग ना सूप खिलाने लगे हैं, वो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे हाथ में है, अरे बड़ा वजनी है, फोड़ा इसे कहते हैं, और इसके साथ मैंने काम करना है आज। जी कोई आए कैमरामैन दूर हो जा हाँ जी जी, ये देखिए यहाँ पे ना गोबर जो है वो रखा हुआ था, और इधर से ना वो खुश्क हो गया, ये काफ़ी ओल्ड है, तो इसलिए अब इसको हम निकालेंगे, निकाल के इसको धूप में खिला रहेंगे। सारा दिन ये खुश्क होगा और शाम को फिर हम जानवरों के नीचे डालेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे उनको सुकून होगा। जैसे हम लोग गद्दा बिस्तर वगैरह लगाते हैं ना, ये भी उन लोगों का गद्दा बिस्तर है। अगर इस तरह ना करें ना, तो जानवर जो है ना वो बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनकी जगह भी ठीक करना ज़रूरी होती है डेली बेसिस पे। और दो तीन दिन तो धूप निकली नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात हो रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और सूप तैयार करते हैं। एक गर्मी रखी हुई है, हाँ तो वही कह रही हूँ, बहुत पुरानी है ये। और इसे अब हम क्योंकि ये जो गिली पड़ी है ना ताज़ी, ये अभी खुश्क नहीं होगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं धूप निकलती तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पुरानी है ना गर्मियों की रखी हुई, ये अब हल्की हल्की खुश्क हुई हुई है। आज का दिन इसको धूप लगेगी, रात को हम लोग इसे जड़ों के नीचे डाल देंगे। पिंडों में जैसे धूप निकलती है ना, या तो कपड़े धोने लग जाते हैं और या सूखे वगैरह खिलाने लग जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहले शहर वालों के लिए धूप निकलती है ना, तो वो तो बेचारे छतों पे चढ़ के बैठ जाते हैं धूप एंजॉय करने के लिए, और हमें ना इन कामों की टेंशन लग जाती है। देखिए इसमें गेम्स खेली जा रही हैं। हाँ जी जी, ये लाइनें ड्रॉप की जा रही हैं ताकि ना धूप अच्छे से इसको लग जाए और ये खुश्क हो जाए। देखें कितनी मेहनत का काम है, वैसे मज़ा भी आ रहा है, गेम की गेम है ये, देखें जबरदस्त जबरदस्त। हाँ साइकिल भी चला लेना। नहीं उत्ते ना चढ़ना, माड़ा माड़ा इशारा देना। हाँ जी जी, ये हमारे घर के सामने जो सड़क है ना, वो हमने गंदी की हुई है, और जगह भी तो नहीं है, ये हम लोगों ने रास्ता छोड़ दिया जहाँ से लोगों ने गुजरना है।
ये देखें, क्योंकि अंदर जो है ना वो छाँव होती है, दरख्त वगैरह होती है ना ये, तो फिर सड़क में हम लोग ये रास्ता छोड़ो हुए यहाँ से गुजरना होता है, और इधर जो है ना हम सूख वगैरह कुछ कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है वरना जो जानवर जो है ना वो बीमार हो जाएंगे। और इधर जो है ना ये बिल्कुल हमारे घर के सामने लगाया हुआ है ज्वार तना, और पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वो है। और ये देखें, कितने प्यारे तरीके से इसको खुश्क किया जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से ये धूप निकली हुई है चार दिन के बाद। ये देखें जी, बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, और ये देखें एंजॉय कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं बैठे। बहुत पुराना खेल है ये वाला, खेलो ये देखो। नहीं क्या आख देने पहले चोर, इस गेम क्या आख देन पहले चोर, पहले चोर एक ही हो जे ना है। ये ना वो बैंटिया वगैरह खेलने, ये इनकी लड़ाई हो गई है अब, ये देखे ये लड़ाई भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं ये। अभी तो फिर भी थोड़े हैं, सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, अब थोड़ी देर बाद ना ये फिर आ जाएंगे यहाँ पे, सारे बच्चे इकट्ठे होकर ना यहाँ पे खेलते हैं, और ये जो है ना ये मास्टर है, ये सबको खिलाता है, ये सारे इकट्ठे करता है यहाँ पे। बहुत प्यारी गेम है जी, सब बच्चे मिलके खेल रहे हैं, जो दो चार दिन छुट्टी हुई है इन्होंने पढ़ना खाक नहीं है, इन्होंने बस गेम्स ही खेलनी है। ये देखो ये मास्टर किंग, किधर जा रहे हो? छाबा छाबा तेरी माँ जा कि मेरे पापा हाथ नू तू।